मोरपिन कंपनी हिमाचल प्रदेश में परवानों की पहली दवाइयों की कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो कि जब हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इंडस्ट्री घोषित हुआ था तो सबसे पहले इस कंपनी का विस्तार परवानों से किया गया था। हिमाचल दिवस पर मोरपिन कंपनी के डॉक्टर ने शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को मोरपेन परिवार की तरफ से हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश जो है का गठन 15 अप्रैल 1971 को हुआ था और तब से लेकर इस प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। काफ़ी एरिया इसका पहाड़ी एरिया है, उसके बावजूद भी इसने जो है काफ़ी तरक्की की है। पर्टिकुलरली हमारा जो बद्दी बीबीएन एरिया और पीआईए एरिया जो आता है, इससे हमारी काफ़ी दवाइयाँ निर्यात होती हैं बाहर बाहर के देशों में, तो इसका पूरे विश्व में एक अपना ही अलग स्थान है। मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में किसी भी प्रदेश को तरक्की करना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों की तरह कोविड 19 से जूझ रहा है और वो इससे वो भी अछूता नहीं रहा है। तो इसमें कोविड 19 में हम लोगों को खास ख्याल यही रखना है, जैसे कि मैंने मास्क पहना हुआ है तो इस तरीके से आप लोगों को भी मास्क पहन के रखना है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मैंने जो है इसको थोड़ा नीचे किया हुआ है, पर अपने आप को पूरा नाक और मुंह को ढक करके रखना है। बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम उसको अपने हाथ साबुन से धोएं या किसी सैनिटाइजर से धोएं। सैनिटाइज करने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास सैनिटाइजर ही जरूरी हो, किसी भी तरीके का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें एक बहुत बड़ा अपने आप में हथियार है। हम सोशल डिस्टेंसिंग रख के कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी अपने बीच में रख करके इसको अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। और जहां तक मैं बोलता समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमें बीबीएन एरिया और पीआई एरिया में जो अधिकारीगण हैं, उसका हमें बहुत उन लोगों का हमें बहुत सहयोग मिला है, प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग मिला है। और जो जो भी हमारे पास में गाइडलाइन, जो जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन या जो जो भी हमारे पास में सलाह आ रही है सरकार की तरफ से, हम केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, हम उसको मान रहे हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आगे भी हम उनके ऐसे ही दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे और इस कोविड 19 को हम जरूर भगाएंगे। और एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई।